सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय ये जो एरिया है इसके लिए हम आज के लिए रेड कलर वार्निंग दिए हैं। यानी इस एरिया में आज कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है। आप कल की बात करें, ये जो आसाम एंड मेघालय है यहाँ एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल थोड़ा कम हो जाएगा, मगर सब हिमालय वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इस एरिया में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जारी रहेगा 21 तारीख तक। सर क्या ये मानसून की बरसात है? सर क्या ये मान के चला जाए कि ये मानसून की गतिविधियां हैं जो इतना हैवी रेनफॉल देखने में आ रहा सर उधर? जी, मानसून अभी एक्टिव स्टेज में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और सब वेस्ट बंगाल के लिए, जिसकी वजह से लास्ट 3 to 4 डेज अच्छा बारिश हो रहा है और अभी नेक्स्ट 3 डेज भी अच्छा बारिश होगा। इसके साथ साथ आज मानसून गंगटी वेस्ट बंगाल और झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रेडजनिंग बिहार एरिया में भी आ चुके हैं और हमारा पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन में मानसून साउथ इंडिया के और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया के और कुछ हिस्सा में प्रवेश करेगा, जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी। तो ये मान के चला जाए कि सर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ पर अभी काफ़ी बारिश अभी आगे दिख सकते हैं। अगले 3 दिन के लिए हम जो वार्निंग दिए हैं इसमें आसाम मेघालय के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा और इसके बाद कंसेक्यूटिव 2 डेज या 3 डेज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल माने मालदा की नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल के पार्ट है वो सभी एरिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है आज यानी 19th, 20th and 21st। सर मैं जानना चाहूँगा कि कुछ इलाकों में अभी देखने वाला कि खासतौर से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जहाँ पर काफ़ी हीट वेव चल रही है और कई लोग की इस पर मौत भी हो गई है, सर कंडीशन ये कब तक बनी रहेंगी हीट वेव की और क्या इसमें बदलाव देखने में आएगा? पास्ट 4 to 5 डेज में ईस्टर्न इंडिया में स्टार्टिंग विथ नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी, इसमें हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा था। आज का जो पूर्वानुमान है इस पूर्वानुमान के हिसाब से हीट वेव कंडीशंस के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं झारखंड और बिहार के लिए और कल से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा झारखंड और बिहार और हीट वेव एबेटेड होगा ग्रेजुअली। और जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्ट यूपी यहाँ हम ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं हीट वेव के लिए, ये भी 24 आवर्स के लिए, इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि मानसून एडवांस कर रहा है, मतलब अगले कुछ दिनों में राहत भी मिल जाएगी। राहत मिलेगी। सर अगर हम राजस्थान की बात करें तो लगातार वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है, तो क्या वहाँ पर भी अभी बारिश इसी तरह बनी रहेगी? जो साइक्लोन बिपरजॉय वीक होते हुए एक डिप्रेशन ग्रुप में राजस्थान के ऊपर जा रहा था, आज वो फर्दर वीक हो गया है और ईस्ट राजस्थान और इसका आसपास जो वेस्ट एमपी इलाका है वहाँ एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के हिसाब से केंद्रीभूत है। सो इसके प्रभाव में अभी 24 आवर्स के लिए यानी 19th के लिए ईस्ट राजस्थान में हैवी टू वेरी हैवी के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एंड 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है। इसके साथ साथ जो वेस्ट एमपी एरिया है वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आज होगा और कल हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, फिर परसों को माने 21 तारीख से फिर रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। मेरा यही मतलब है कि जो वेलमार लो प्रेशर एरिया है इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट आज और कल होगा 19th, 20th को ईस्ट राजस्थान, वेस्ट एमपी और एडजेनिंग एरियाज ऑफ साउथ यूपी, साउथ वेस्ट यूपी स्पेशल जो बुंदेलखंड एरिया होता है, और इसके बाद इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल, मानसून की अगर बात करूँ तो मानसून की क्या अभी गतिविधि है, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या स्थिति है मानसून की अभी? मानसून आज काफ़ी हद तक एडवांस किए हैं बे ऑफ बंगाल पे, साउथ इंडिया में कुछ हिस्सा में जैसे यार जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो अभी रायचूर कावाली होते हुए साउथ पेनिनसुला में, फिर यहाँ श्रीनिकेतन माने वेस्ट बंगाल की कैनिंग, इसके बाद श्रीनिकेतन होते हुए झारखंड की दुमका होते हुए बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो सम पार्ट्स ऑफ
आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार हैज बीन कवर्ड बाय मानसून टुडे। और सर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर सब में क्या समय से पहुँचेगा मानसून? ऐसे कोई हमारा अभी पूर्वानुमान जो हम इशू करते हैं नेक्स्ट 5 डेज के लिए इशू करते हैं, इसके अंदर हम ये पूर्वानुमान दिए हैं कि साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया और इसके आसपास एरिया में मानसून एडवांस होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अभी हम पूर्वानुमान जारी नहीं किए हैं।